तो ये रहा वो एक्शन कैमरा जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। चलो यार इसको अनबॉक्स करते हैं और क्या। बिफोर अनबॉक्सिंग दिस कैमरा आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर फॉर दिस चैनल। यस 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं राइट नाउ। अभी मैं चेक करूँ तो 109 सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट यू हैव शोन टू दिस चैनल एंड आई प्रोमिस यू दैट आई विल नेवर लेट यू डाउन। और ट्रैवल वीडियोज आर गोइंग टू कम जिसे आपको देख के बहुत मजा आने वाला है ट्रस्ट मी। आई वुड मेक श्योर दैट मैं और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट और अच्छे अच्छे ट्रैवल वीडियोज डालू आपके लिए। फिलहाल तो इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि एक्शन कैमरा कैसा है क्या है। लेट्स सी। चलो 4K एक्शन कैमरा Xiaomi की तरफ से। तो इसका कलर है नाइट ब्लैक। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, ओनली 10,000 में मिला। अमेजोन में तो मुझे 16,000 का मिल रहा था। यार खुल नहीं रहा यार, खुल जाए यार। अच्छा इस तरफ भी है। ओके तो हमको मिला कैमरा, क्या बात है। कैमरा के साथ साथ हमको दिया है कुछ मैनुअल्स जिसका कभी यूज नहीं होने वाला। और ये रहा बैटरी, ये केबल। केबल इन्होंने छोटा वाला ही दिया है ताकि फास्ट चार्जिंग हो। चलो अच्छा है, इसको अभी साइड रख देते हैं और फोकस करते हैं हमारे कैमरा पे। तो ये है Xiaomi का एक्शन कैमरा। इसका भी मैंने लेंस कवर उतार दिया है, यहाँ साइड से भी उतार दिया है। तो यहाँ ऊपर से है ये ऑन बटन, इसको आप दबा के आप चालू करना है। यहाँ पे दोनों माइक दिया हुआ है। ये रहा आपका स्पीकर। आफ्टर रिकॉर्डिंग योर वीडियोस यू कैन वॉच मीन्स हाउ द वीडियो हैज़ बीन मेड। तो ये है लेंस जिसका अपर्चर है 2.8, तो काफ़ी वाइड एंगल है। अभी देखते हैं कैसा है क्या है। तो यहाँ पे है इसका बैटरी कवर है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसको दबा के हमको ओपन करना पड़ेगा। ओके ये हो गया ओपन। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने के लिए दिया हुआ है। यस तो मेरे पास मेमोरी कार्ड ऑलरेडी है 64 GB का SanDisk। आई ऑलवेज प्रीफर SanDisk। तो ये रहा हमारी बैटरी। ये बैटरी है करीब 1400 mAh की। राइट इसको हम डाल देते हैं ताकि हमारा कैमरा चालू हो जाए। यस और ये भी दिया हुआ है ताकि आप इसको खींच के निकाल पाओ। इट्स अ ग्रेट थिंग यार। तो इसमें कोई एक्सटर्नल मतलब 3.5 का जैक नहीं दिया हुआ है, तो यही इसी माइक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटेड है। ठीक है देखते हैं। और ये है ट्राइपॉड माउंट। ये ट्राइपॉड के ऊपर आप इसको ऐसे घुमा के आप इसे फिट कर सकते हो। अब ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट का बटन है ये। ओके स्टार्ट हो चुका है। ये सेट तो आप देख सकते हो इतना मैंने पास रखा हुआ है हाथ को, लेकिन पूरे हैंड आ जा रहे हैं मेरे तो। इसमें काफ़ी वाइड एंगल है सेंसिटिव, तो इतना पास में रखने वाला हूँ तो आप देखिए पूरा बॉक्स आ जा रहा है। इसको हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ, फिर देखते हैं कैसा आता है। क्योंकि मैंने अभी एक वाई एक्शन का जो ऐप है प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड कर लिया है, देखते हैं। वैसे यहाँ पे इसके पहले ये लेड इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो यहाँ पर रेड कलर का शो करता है। 1400 के mAh की बैटरी है तो इसकी बैटरी बैकअप मिनिमम टू आवर्स तो होगा ही होगा अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करते हैं तो। अगर हाँ 1080 आप कर रहे हो तो फिर उससे ज़्यादा ही दे सकता है। चलो देखते हैं इसको मोबाइल से कनेक्ट करके क्या है। और इसको हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी ये यहाँ पे वाईफाई और ये रहा एप्लीकेशन वाई एक्शन। करने के लिए जाना पड़ेगा। ये 4 वाई एक्शन कैमरा है हमारा। ये सर्च कर रहा है कैमरे को। ओके मिल गया इसको कनेक्टेड। ओके जैसे कि आप देख पा रहे हो
कि मैं यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ तो मुझे देख रहा है, ये देखो अब मैं भी दिख रहा हूँ। हाय, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। डिस्कनेक्ट, लेट इट बी। ये रहा, और यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है देखा दिखाता हूँ। ये फोटो का ऑप्शन है, वीडियो ऑप्शन दिया हुआ है, टाइमलेस वीडियो आप बना सकते हो, स्लो मोशन आप बना सकते हो, लेकिन स्लो मोशन में आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फ्रेम रेट से। फ्रेम रेट ऑनली 60 फ्रेम रेट पर सेकेंड का ऑप्शन है, वो भी 1080 में। अब 720p में अगर आप बना रहे हो वीडियो को तो करीब आपको उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा, 240 फ्रेम रेट पर सेकेंड के हिसाब से मिल जाएगा। आपको वीडियो प्लस फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। आप वीडियो लेते लेते आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन दिया है, लूप वीडियो एंड यू कैन स्ट्रीम लाइव, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, गोप्रो जैसा ही है। तो अभी कैसा है इसका वीडियो क्वालिटी, क्योंकि वीडियो क्वालिटी इज़ द मेन थिंग फॉर एवरी एक्शन कैमरा। देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसा है, इसके लिए मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर चलते हैं हम लोग। तो अभी आप देख रहे हो ये मैं शूट कर रहा हूँ 4K वीडियो शूट कर रहा हूँ, 30 फ्रेम रेट पर सेकेंड। अभी काफ़ी धूप हो गई है तो आँखें नहीं खोल पा रहा हूँ मैं। दिस इज द एंग इज द व्यू यू आर गोइंग टू गेट। तो अभी मैं आपको फिर थोड़ा सा रनिंग करके देखता हूँ, तो आप देखिएगा EIS कैसा है इसका, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और ये अभी मैंने स्टार्ट किया है 1080p में, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है इसके लिए फिर मुझे फिर से रनिंग करना पड़ेगा, देखते हैं कैसा है। आई थिंक ये ज़्यादा स्टेबल है, 4K में EIS नहीं है, तो Xiaomi को इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो 1080p में आपको EIS मिल रहा है, 4K में इसमें नहीं है बिल्कुल भी ऑप्शन। मैं कुछ देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इसकी माइक क्वालिटी कैसी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये मैं नीचे चलता हूँ, ये रहा लो लाइट परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा परफॉर्म करता है रात को। वैसे GoPro से तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, GoPro तो 35,000 का आता है। ओके, तो हो गया। तो इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। प्रोस मुझे जो इसकी अच्छी लगी वो है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इसका प्लस पॉइंट है। बैटरी बैकअप करीब आपको 2.5 घंटे के आसपास दे देगा अगर इफ़ यू आर यूजिंग 1080p फ्रेम रेट पर सेकेंड। 4K में आप यूज़ कर रहे हो तो भी अच्छा ही बैटरी बैकअप है, 2 घंटे तो आपको देगा ही देगा क्योंकि आई हैव यूज्ड इट। सेकेंड जो प्रो है वो है कि इसकी इमेज क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, पिक एंड वीडियो क्वालिटी वेरी मच इम्प्रूव्ड। तो तीसरा जो प्रो लगा मुझे वो है कि इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, क्योंकि GoPro जितने में आता है आप इसे 3x4K कैमरा आप ले सकते हो। आप सोचो कि आपको मिल रहा है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक एक्शन कैमरा 10,000 के अंदर इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ 4K रिकॉर्डिंग में, तो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है फॉर श्योर। चौथा प्रो जो मुझे लगा कि इसके साथ जो एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये एप्लीकेशन जो है वो वीडियो एडिटिंग के अभी काम कर रहा है, तो जैसे आप स्प्लिट करते हो, ट्रिम करते हो, तो ये चीज़ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इस मतलब इस एप्लीकेशन में। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट आई वुड प्रिफर अगर ये थोड़ा सा रबर फिनिश में अगर दे देता ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा काइंड ऑफ स्लिपरी मतलब स्लिप हो जाता है, थोड़ा सा स्लिप होने का डर रहेगा। अगर ये रबर का थोड़ा सा दे देता तो मतलब अच्छा ऑप्शन मिल जाता कस्टमर को। दूसरा कॉन मुझे लगा कि ये वाटरप्रूफ नहीं है एग्जैक्टली, ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है, आपको इसके साथ एक अलग से वाटरप्रूफ केस लेना पड़ेगा जो काफ़ी महंगा आता है,
आप शाओमी का ही अगर आप लोगे केस तो आपको 3000 का पड़ता है अमेजोन के हिसाब से। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप 3000 का आप लो, आप 1000 का ले सकते हो, इट्स गुड एनफ। तो तीसरा मुझे कौन लगा वो है कि इसमें एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। बहुत दूर हो आप एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, ऑडियो आपकी आनी है, तो अपनी इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, गोप्रो में ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो चौथा कौन लगा इसका वो है इसका EIS, क्योंकि इसमें 4K रिकॉर्डिंग में EIS नहीं दिया हुआ है, इसने सिर्फ 1080 में दिया है एंड दैट इज ऑल्सो यार नॉट सो गुड इनफ। तो बहुत ज़्यादा शेकीनेस है इसमें, तो आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा मतलब है इसका EIS। कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ यार डेफिनेटली यार यू शुड परचेज दिस इफ़ यू हैव द बजट ऑफ 10,000, तो इट इज़ द बेस्ट एक्शन कैमरा यू कैन एवर हैव इट। तो इसका रिव्यू हो चुका, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बॉस। लाइक तो बनता है क्योंकि 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमको अभी 1000 का टारगेट है, उसको हमको अचीव करना है। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिएगा वीडियो पे, अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं इस वीकेंड पे, और हैदराबाद दर्शन भी बचा हुआ है जो मैं इसी से ही कवर करने वाला हूँ। फिर मिलते हैं, कीप ट्रैवलिंग, बाय।